हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना विद अफसाना पे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी इन कोलकाता स्टाइल। तो चलिए देखते हैं चिकन करी बनाने के लिए क्या चिकन क्या मसाला लगता है। बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन, 2 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, खट्टा दही लिया है 50 ग्राम और हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। अब मसाले में लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, बिरयानी का मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला, या तो आप मीट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं नमक स्वाद के अनुसार। और ऑयल लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं 2 बड़ा तेज पत्ता, जोची लिए हैं, 2 सूखा मिर्च, खड़ा जीरा, इलायची। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चिकन को हम बीच बीच में कट कर दिए हैं ताकि मसाला आसानी से जाए और ये थोड़ा टेस्टी बने खाने में। दोस्तों हमने एक बोल ले लिए हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए, तो इसमें हम चिकन का टुकड़ा डालेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून बिरयानी का मसाला डालेंगे। दोस्तों ध्यान रहे अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे, वो हम ग्रेवी बनाते समय डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लें। अब इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। दोस्तों हमने फ्राई पैन गरम गरम कर लिए हैं, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इस पर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें एक एक करके सारा सूखा मसाला डालेंगे, खड़ा जीरा, इलायची, तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसको हल्का सा, जब तक ये ब्राउन कलर ना होता है हल्का सा, तब तक इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों प्याज ब्राउन हो चुका है, हम यहाँ पे गैस का फ्लो मीडियम रखे हैं, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच डाला है मैंने, अच्छे से मिला लें। अब इसमें 2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हम यह पहले से रखे थे। और आधा टीस्पून गरम मसाला, अब इसको अच्छे से मिला लें। इसमें आधा कप पानी डालेंगे, नहीं तो मसाला लग जाएगा कढ़ाई में। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, अब टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मसाले को
5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। मसाला पक गया है, अब इसमें चिकन डालेंगे जो पहले से मैरिनेट करके रखे थे। दोस्तों हम गैस का फ्लो मीडियम रखे हैं, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब इसको अच्छे से मिला लें। अब इसको 2 मिनट तक मिलाएंगे। अब इसमें गरम मसाला और चिकन मसाला डालेंगे, इसको फिर से मिलाएंगे। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसको 10 मिनट तक और चलाएंगे। अब दोस्तों इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं या पानी नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच में पकने दें। दोस्तों बीच बीच में अब इस चिकन को थोड़ा सा चलाते रहें, क्योंकि नहीं तो कढ़ाई में लग जाएगा। दोस्तों हमारा चिकन करी बन गया है। अब इसमें 1 चम्मच और चिकन मसाला डाल लेंगे, फिर से और एक बार मिला लें। अब इसको सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। तो दोस्तों बन गया है हमारा चिकन करी। अब इसको हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल के इसको गार्निशिंग करेंगे। तो बन गया है हमारा चिकन करी। तो दोस्तों आज का ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे फिर से कुछ नया रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।